आज की जो विजुअल बेसिक की प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम लोग असाइनमेंट नंबर 20 करने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 20 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन इन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, यानी सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल आपको बनाना है और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है और छोटा सा प्रोग्राम है। तो फाइल हैंडलिंग यूज हो रही है इसमें। फाइल हैंडलिंग में आपको फाइल्स बनाने होंगे, उसमें रीड राइट ऑपरेशन करना होगा। क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा छोटा और सिंपल सा प्रोग्राम है। विजुअल बेसिक ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मेरा जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और फॉन्ट साइज जो है मैं इसकी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर मैं हम लोग क्या करते हैं, रीड और राइट के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, ये रीड के लिए और ये बनाते हैं राइट के लिए। तो आपको देखना है, ध्यान देना है पहले कि राइटिंग ऑपरेशन पहले करोगे, पहले लिखोगे तब तो पढ़ पाओगे। ठीक है, और दो बटन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, एक रीड कमांड के लिए और एक राइट कमांड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रीड या राइट, ऐसा लिख देते हैं। और ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स को हम ब्लैंक कर देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देना है आपको। अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप चाहो तो इसका बैक कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, लाइट कलर का बैकग्राउंड देने से थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है। और इसको आप और एक तरीके से जो इसकी स्टार्टअप पोजीशन है उसको सेंटर स्क्रीन कर लो, जब रन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए हम यहाँ पर प्रोग्राम जो है हमारा इंटरफेस तैयार हो गया है रीड और राइट करने के लिए। अब आप देखेंगे कि रीड राइट ऑपरेशन के लिए हम कमांड लिखते हैं फाइल हैंडलिंग, वो भी सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में। सबसे पहले हम एक लोकेशन सेट कर लेते हैं। समझाने के लिए मैं लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी जो लोकेशन रहेगी एफ ड्राइव रहेगी। मेरे कंप्यूटर में एफ ड्राइव है तो मैं एफ ड्राइव लूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में सी डी ई एफ में से कोई भी ड्राइव नहीं है तो आप सी या डी ड्राइव भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं एफ ड्राइव यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो एफ ड्राइव मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं और इन फोल्डर्स के अलावा हम यहाँ पर एक फाइल को जो है वो क्रिएट करेंगे। चलिए पहले ध्यान देना है, राइट ऑपरेशन पहले करना है और फिर रीड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो राइट ऑपरेशन पहले इसलिए करना है क्योंकि पहले राइट होगा फाइल में, उसके बाद ही हम रीड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है एफ ड्राइव। राइटिंग के लिए सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। तो राइट बटन जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे। और आपको पता है कि कोड लिखने के लिए हमको क्या, फाइल हैंडलिंग के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ओपन कमांड। और ओपन कमांड से क्रिएट भी होता है और फाइल ओपन भी होती है, लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल है तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी फाइल की ड्राइव की लोकेशन ले रहा हूँ, मैंने एफ़ लिया है। अगर आपके कंप्यूटर में एफ ड्राइव नहीं है तो एरर आएगा इस प्रोग्राम को आप बनाते हैं। तो आप यहाँ पर सी डी ई भी ले सकते हैं, कोई भी ड्राइव ले सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में है। क्लियर? तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके कंप्यूटर में जो ड्राइव है वही आप सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे कंप्यूटर में एफ ड्राइव है इसलिए मैंने एफ ले लिया। क्लियर? उसके बाद मैं फाइल का नाम यहाँ रखता हूँ zzz.txt, सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल लिया मैंने। जानबूझ के मैंने zzz नाम की फाइल इसलिए ली है क्योंकि वो सबसे लास्ट में आएगी और आपको आसानी से वो दिखाई देगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जब मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करूँगा तो मेरा जो एफ ड्राइव है यहाँ लास्ट में zzz नाम से, क्योंकि आप देखेंगे सी वाला पहले आ रहा है, डी और इस तरीके से, और डब्ल्यू वाला जो है सबसे लास्ट में है, इसके बाद जेड आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर फाइल को राइटिंग ऑपरेशन करना है तो मैंने आपको बताया है कि राइटिंग के लिए हम यहाँ पर लेते हैं आउटपुट। आउटपुट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फाइल को क्रिएट भी करेगा प्लस ओपन भी करेगा। अगर इनपुट लेंगे तो सिर्फ ओपन करेगा और रीडिंग ऑपरेशन करेगा, राइटिंग नहीं करेगा। क्लियर? फॉर आउटपुट लेना है आपको और एस
हैश वन, ये उसका सिंटेक्स है फाइल हैंडलिंग का। इस सिंटेक्स को हमने पहले भी देख रखा है कि ओपन कमांड से हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट एंड ओपन दोनों काम करते हैं, क्लियर है। तो फाइल सबसे पहले मैंने ओपन लिखा, फिर फाइल का लोकेशन मतलब कंप्लीट पाथ जो है वो दिया है मैंने, फाइल का कंप्लीट पाथ यहाँ पर इनपुट किया, और यहाँ पर उसका मोड बताया, इसको मोड बोलते हैं, आउटपुट मोड इनपुट मोड, तो मैंने आउटपुट मोड लिखा है। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप यहाँ पर आउटपुट मोड के बदले आप रैंडम लिखेंगे तो वो रैंडम एक्सेस फाइल बनाएगा, या फिर बाइनरी लिखेंगे तो बाइनरी फाइल बनाएगा। तो हमने यहाँ पर मोड सेलेक्ट किया है आउटपुट। आउटपुट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमको राइटिंग ऑपरेशन करना है और सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल है, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर आउटपुट लिखा। अब उसके बाद लिखते हैं एज, उसके बाद एक फाइल का नंबर देते हैं। फाइल का नंबर इसलिए देते हैं कि यहाँ कंप्यूटर में जब भी हम किसी फाइल को पहचानना रहता है तो उसको एक नंबर से पहचानते हैं, ना कि नाम से। तो एक साथ अगर मान लीजिए आपने 10 फाइल ओपन की है, उसमें से दो फाइल का नाम सेम है, एक फाइल सी ड्राइव में है एक फाइल डी ड्राइव में है, तो ऐसी कंडीशन में फाइल का नाम सेम होने पर कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर नंबर्स अलग अलग दे देते हैं। जैसे आप दो फाइल ओपन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ओपन करेंगे, हाँ जेड 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 के बदले मैं यहाँ पर वाई 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 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2 होगा, यानी दो फाइल आप एक साथ ओपन कर सकते हैं, सब कुछ सेम हो सकता है, ये वाला नंबर सेम नहीं होगा कभी भी। तो ऐसा 255 फाइल आप एक साथ ओपन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी विजुअल बेसिक में है, क्लियर। तो मैंने एक ही फाइल ओपन की इसलिए हैश वन। अब ये हैश वन ही जो है इस फाइल का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं इस फाइल के नाम वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हमको हैश वन, जब भी मैं डिलीट हैश वन करूँगा तो फाइल डिलीट हो जाएगी, या किल हैश वन करूँगा फाइल डिलीट हो जाएगी, कॉपी करना होगा तो हैश वन, जो भी चीज़ है उस हैश वन से ही होगा, अब क्लियर है। चलिए तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई कमांड चलाता हूँ तो एक फाइल बन जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस कमांड को रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको F ड्राइव ओपन कर देता हूँ, ये मेरा F ड्राइव ओपन है। जैसे ही मैं राइट बटन पर क्लिक करूँगा आपको देखना ये है कि यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होगी, ये देखिए फाइल क्रिएट हो गई, उसका नाम है zzz.txt। तो फाइल क्रिएट करने वाला काम हमने कर लिया है इस कमांड से। अब हमको राइटिंग ऑपरेशन करना है, आपको पता है कि राइटिंग ऑपरेशन तभी होगा जब फाइल होगी और ओपन होगी, अदरवाइज राइटिंग और रीडिंग नहीं हो पाता है, और रीडिंग राइटिंग होने के बाद उसको क्लोज करना है, इसलिए आगे कर लेते हैं। आगे करने से पहले हम यहाँ पर इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, फिर से क्रिएट कर लेंगे। चलिए राइटिंग ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। राइटिंग ऑपरेशन के लिए सेम कमांड होता है जिसको हम प्रिंट कहते हैं, क्लियर है। प्रिंट करने से वो फॉर्म पर प्रिंट कर देता था, अब मैं लिखूँगा प्रिंट हैश वन। प्रिंट हैश वन मतलब हैश वन में प्रिंट करो, मतलब फाइल में प्रिंट करो, और टेक्स्ट टू में जो डेटा है उसको प्रिंट कर दो। इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, टेक्स्ट टू में जो डेटा है उसको प्रिंट करो या लिख दो हैश वन। हैश वन मतलब उस फाइल में, क्लियर है। तो अभी तक क्या हो रहा था, जब इसके पहले मैंने फाइल क्रिएट की, देखो यहाँ पर जब मैंने ये वाला, इसको मैं कमेंट कर दिया हूँ, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड चला रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट हुई और मैं इसको बंद कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो जब ये फाइल क्रिएट होती है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक फाइल होती है। फाइल जब फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है तो ब्लैंक फाइल होती है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। लेकिन क्रिएट करने के बाद अगर मैं ये कमांड चला देता हूँ कि प्रिंट हैश वन, और टेक्स्ट टू में जो लिखा है उसको वहाँ पर लिख दो, टेक्स्ट टू में जो लिखा हुआ है उसको क्या करो वहाँ पर लिख दो, तो इस कमांड को चलाने के बाद क्या होगा देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर रन किया, और यहाँ पर मैं जैसे ही राइटिंग के लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो, ठीक है, और जैसे मैंने राइट किया तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो उसमें राइट हो चुका होगा या लिखा गया होगा। अब मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है, अब आपको फाइल के क्लोज करने का भी रीज़न बताता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया, मैं जब इसको ओपन कर रहा हूँ तो ब्लैंक दिख रहा है, क्लियर, क्योंकि फाइल का क्लोजिंग ऑपरेशन फाइनल सेव नहीं हुआ है। जब मैं इसको बंद करूँगा तो फाइल ऑटो क्लोज होगी,
देन यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे हेलो लिखा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए बोलते हैं कि फाइल जब ओपन कर रहे हैं तो क्लोज करना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर है और आपने गलती से क्लोज नहीं किया, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, लाइट गोल हो गया, तो वो डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने फाइल पे राइटिंग ऑपरेशन कर दिया, यानी टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी आप लिख रहे हो वो आउटपुट यहाँ पर परमानेंट सेव होने वाला है फाइल में, या राइटिंग ऑपरेशन है। तो आप इसको देख सकते हो। एक बार और प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बकायदा दोनों लोकेशन ओपन कर लेता हूँ, और चाहिए तो हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। क्रिएट होते हुए दिखाई देना चाहिए आपको। इस एरिया पर आपको ध्यान देना है जो ब्लैंक है, यहाँ पर अभी एक फाइल जो है वो बनेगी। क्लियर है? चलिए यहाँ पर मैं कुछ दूसरा लिख देता हूँ, क्वेश्चन 20। और जैसे ही मैं राइट करूँगा तो आपको ध्यान देना है कि राइट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होगी, और उसमें ये जो डेटा है उसमें राइट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखेंगे एक फाइल बन गई है, और अभी मैंने क्लोज का कमांड नहीं चलाया है, इसलिए आउटपुट मुझे तब दिखाई देगा जब मैं इसको बंद करूँगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अब मैं जब उस लोकेशन को ओपन करूँगा इस फाइल को, तो क्वेश्चन 20 मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ डेटा है वो सेव हो गया। ये बिल्कुल वही काम हो रहा है जैसा इस सेव बटन से होता है। आप देखेंगे कि जब भी हम यहाँ पर एक सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो एक फाइल बनती है, और हमारा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वर्ड एमएस वर्ड में जो भी डेटा लिखा होता है वो फाइल में जाके सेव हो जाता है। तो ये बिल्कुल वो सेव बटन जैसा काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करना ज़रूरी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्लोज करना क्यों आपके लिए ज़रूरी है। तो क्लोज करने का बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स होता है, आपको लिखना है क्लोज #1। #1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस फाइल को हमेशा #1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिर्फ 3 लाइन का कोड है राइटिंग ऑपरेशन के लिए। अब यही रीड करने के लिए कोड हम लोग लिखते हैं, सेम कोड होगा हमारे पास, ओपन कमांड ऐसे ही होगा, सिर्फ एक अंतर होगा। मैं लिखूंगा ओपन, और सेम लोकेशन में ले रहा हूँ एफ, और यहाँ पर लेता हूँ zzz.txt, उसी फाइल को ओपन करना है। फॉर इनपुट यहाँ पर लेंगे, आउटपुट ना लेकर के क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। यहाँ पर बस ये मोड ओपन चेंज हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके पास। क्लियर? चलिए, और यहाँ पर राइटिंग ऑपरेशन करने के बाद क्लोज #1 ये होने वाला है हमारा। अब यहाँ पर राइटिंग के लिए प्रिंट लिखे थे, तो यहाँ पर रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे, इनपुट लाइन। क्लियर है? इनपुट लाइन एक स्टेटमेंट है, उसको लिखेंगे, या लाइन इनपुट भी लिख सकते हैं। सॉरी, उल्टा लिख रहा था मैं। इक्वल टू लाइन इनपुट इक्वल टू, अब क्या करोगे आप, #1 मतलब उस फाइल से लेना है, और कहाँ देना है, text1.txt में। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप विजुअल बेसिक में, एक चीज और आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा कि आप, जैसे मैं यहाँ पर लाइन इनपुट लिख रहा हूँ, आप देखिए मैंने लिखा लाइन इनपुट, अगर आप कुछ चीज़ भूल रहे हैं तो अगर आपने सही लिखा है तो जैसे ही आप ये कर्सर चेंज करेंगे ना तो ये कैपिटल हो जाएगा अपने आप, और कल कुछ चीज़ों के कलर्स चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपने सही लिखा है, अगर कुछ भूल रहे होंगे तो वो स्मॉल का स्मॉल ही रहेगा। अगर स्मॉल का स्मॉल है मतलब वो आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है, कुछ ना कुछ सिंटेक्स गलत है। तो देखेंगे ये लाइन इनपुट का मतलब होता है एक लाइन रीड करेगा ये, हमको पूरी फाइल रीड नहीं करनी है, एक लाइन रीड करनी है। तो चलिए अब हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है, और ये प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया और अपना लोकेशन ओपन कर दिया है। ये वाली फाइल को मैं गायब कर देता हूँ। आपको फोकस करना है इस एरिया पर, और यहाँ से राइटिंग होगा और यहाँ से रीडिंग होगा। क्लियर? तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइटिंग के लिए कुछ लिखता हूँ, मैं मेरा जो भी टेक्स्ट होगा मैं लिख रहा हूँ हेलो और *, मैंने ये लिखा हेलो और *। जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो इस एरिया पर आपको देखना है
एक फाइल बनी zz नाम की, और अब मैंने क्लोज कमांड चलाया है, यानी कि इस फाइल में लिखा हुआ डेटा सेव हो चुका है। अभी मैं प्रोग्राम बंद नहीं किया तो भी, क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया है फाइल को, तो जो मैंने यहाँ लिखा वो फाइल में सेव हो गया, बिल्कुल सेव बटन की तरह। और जैसे ही मैं यहाँ पर रीड ऑपरेशन चलाऊँगा तो वो डेटा यहाँ पर सेंड दिस एक्सप्रेशन टेक्स्ट वन डॉट ओके वेरिएबल लेना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है कि डिम ए एज स्ट्रिंग हमको लेना पड़ेगा, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ता है, और ये क्लोज होने के बाद हम लिख सकते हैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट टेक्स्ट वन लिख सकते थे यहाँ पर। तो देखेंगे कि फाइल में जो भी हमारा डेटा था वो आ गया है यहाँ पर, यानी जब भी मैं रीड कमांड चलाऊंगा ना तो इस फाइल में जो भी डेटा है वो यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं करता हूँ कि इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर हेलो क्वेश्चन 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 बढ़ाया और इसको सेव कर दिया। सेव बटन वही काम करता है जो ये करता है, ठीक है। अब इस फाइल में देखिए 4-5 क्वेश्चन मार्क है। अब जब मैं रीड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस फाइल में मैं जो भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखा क्वेश्चन और मैंने सेव कर दिया। ध्यान देना, मैंने सेव नहीं किया है तो वही डेटा आता रहेगा पुराना वाला, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव किया मैंने और फाइल को क्लोज कर दिया, देन यहाँ पर क्वेश्चन आने लगेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल में सेव होके क्लोज हो गया। अब जब मैं रीड कर रहा हूँ तो वाओ आ रहा है, यानी यहाँ पर जो राइट बटन काम कर रहा है सेम वही बटन ये फाइल में जा कर के सेव करता है, और क्लोज बटन करने के बाद यहाँ आता है। वो काम मैंने एक ही बटन पे कर दिया। तो ये फाइल हैंडलिंग का आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमने रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, और इसका जो कोड और ये आपको दिख रहा है कि राइटिंग हुआ और ये रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। असाइनमेंट नंबर 20 है।